1925 में कांग्रेस से मतभेद के बाद जब हेडगेवार जी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की तो उसका एक मूल उद्देश्य ये था कि इसमें कोई नेता ना हो बल्कि हर कोई स्वयं सेवक हो। जाहिर है सच्ची निष्ठा के साथ शुरू किया गया ये संगठन कुछ ही समय में लोगों की नजर में आने लगा था। संघ के बढ़ती साख के बारे में सरदार पटेल के बड़े भाई विट्ठल भाई पटेल भी सुन चुके थे। ऐसे में उन्हें संघ की शाखा देखने की इच्छा हुई। फिर क्या था, स्थापना के 3 साल बाद ही 1928 में विट्ठल भाई पटेल मोहिते बाड़े शाखा पहुंचे। विट्ठल भाई पटेल जब शाखा देखने पहुंचे तो उसमें 100 से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया था। शाखा को देखने के बाद उन्होंने कहा था, आज तक मैंने धन और दूसरे साधनों को जुटाने में लगे बहुत से संगठनों को देखा है, लेकिन संघ शाखा में काम करने का बिल्कुल नया तरीका देखने को मिला है। मैंने देखा कि कैसे राष्ट्रीय चरित्र को गढ़ा जा रहा है, किस प्रकार भारत के लिए काम करने वाली शक्तिशाली संस्थाओं का निर्माण किया जा रहा है। इसने वास्तव में मेरे दिल को छू लिया है। विट्ठल भाई संघ के कड़े अनुशासन और देशभक्ति को देखकर काफी प्रभावित हुए थे और अपने छोटे भाई सरदार पटेल से उन्होंने संघ की काफी प्रशंसा भी की थी। खास बात यह है कि चौरा चौरी कांड के बाद विट्ठल भाई पटेल का भी महात्मा गांधी से मतभेद हो गया था। इसकी वजह से उन्होंने मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास के सहयोग से स्वराज पार्टी की स्थापना की थी।